अगर आप भी अपनी बीमारी से जुड़ी सही जानकारी पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बीमारियों के कारण, उनके लक्षण, रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस, परहेज और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम में। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं पिछले 2 दिनों में लाइव स्ट्रीम नहीं आ पाया। तो चलिए, आज इस लाइव स्ट्रीम सेशन में हम बात करने वाले हैं कि होम्योपैथी किस तरह बच्चों में या कुछ एडल्ट्स में हाइट इंक्रीज करने में मदद कर सकती है। अब देखिए, ये वीडियो मैं स्पेशली डॉक्टर रूपल हैं जो कि थिंक पिल नाम का एक चैनल चलाती हैं, मैं स्पेशली ये वीडियो उनके अगेंस्ट में बना रहा हूं और उनके जो भी स्टेटमेंट्स थे मैं उनको काउंटर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर रूपल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने होम्योपैथी के बारे में बताया कि होम्योपैथी हाइट इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो FDA के कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथी में ग्रोथ हार्मोन या स्टीरॉइड्स मौजूद हैं जिससे कि जो हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो डॉक्टर रूपल, आपके ही सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा, और जिस व्यूअर ने आपसे सवाल पूछा था वहाँ पर जो दवा मैंशन करी थी उसका नाम था बेराइटाकार 1M। तो मैं डॉक्टर रूपल कोशिश करूँगा कि मैं आपके जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसका एक बहुत ही अच्छा काउंटर स्टेटमेंट आपको दे पाऊं। तो चलिए, सबसे पहले सवाल यह है कि क्या होम्योपैथी में हाइट बढ़ाने वाली दवाइयां फरेब हैं? तो देखिए, होम्योपैथी के अंदर कई तरह की दवाइयाँ मौजूद होती हैं। होम्योपैथी में पेटेंट्स भी मौजूद हैं जो कि कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती हैं, और होम्योपैथी में पर्सनलाइज मेडिसिन भी होती हैं। अब अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है जो बोलता है कि मुझको होम्योपैथी में हाइट इंक्रीज करने की दवा चाहिए, तो हम क्या करते हैं? देखिए, एक पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर उसका प्रॉपर केस टेकिंग, जो हिस्ट्री टेकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन सेलेक्ट होती है वो देता है। और वो क्यों देता है? क्योंकि वो ये देखता है कि उस पेशेंट के अंदर कुछ ग्रोथ से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं, कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है। देयर कैन बी मैनी अदर सिम्टम्स एज वेल, उसके हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, उसके डाइटरी जो है चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है उसको डाइजेशन इश्यूज हो, किसी भी तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। उन सिम्टम्स के आधार पर जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट होती है वो दी जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम केवल हाइट इंक्रीज करने की दवा देते हैं। बेसिकली हम पेशेंट के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने की दवा देते हैं, उसकी बॉडी में कैल्शियम के ऑप्शन को इंप्रूव करने की दवा देते हैं, एंड इफ नेसेसरी अगर उसकी बॉडी से कैल्शियम का लॉस हो रहा है, मे बी इट कैन बी अ केस ऑफ सम पैराथायरॉइड डिसऑर्डर, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहां पर होम्योपैथी में इस तरह से दवा दी जाती है, और यह एक वेल क्वालिफाइड और एजुकेटेड डॉक्टर ही दे सकता है। लेकिन कुछ लोग होम्योपैथी में, मैं सच कहना चाहूंगा, ऐसे भी हैं जो सिर्फ पेटेंट प्रैक्टिस करते हैं और जो है पेटेंट्स वाली दवाइयां देते हैं हाइट इंक्रीज करने के लिए। तो मुझे लगता है जो FDA का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, ये उन्हीं दवाइयों का स्टेटमेंट है जिसमें ग्रोथ हार्मोन मौजूद है। तो मैडम, कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर किसी भी तरह से ऐसी किसी दवा को सेटिस्फैक्टरली पेशेंट को नहीं दे सकता, और उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस दवा में क्या मौजूद है। ये जिम्मेदारी उस कंपनी की है, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी की है जो उस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रही है। अब हम बात करेंगे, क्या हर दवा में ग्रोथ हार्मोन या स्टीरॉयड होता है? बिल्कुल नहीं। होम्योपैथी की किसी भी दवा में किसी तरह का ना तो कोई स्टीरॉयड होता है, ना किसी तरह का कोई भी और हार्मोन मौजूद होता है जिससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथी अल्कोहल बेस्ड मेडिसिंस होती हैं। ये मैं कहता हूँ आपसे, ऐसा नहीं है सिर्फ अल्कोहल बेस्ड है, बल्कि ट्रैचुरेशंस भी अवेलेबल हैं और भी कई तरह की दवाइयाँ उसमें मौजूद हैं। लेकिन होम्योपैथी में प्रेस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो पेशेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, ना कि जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे किस तरह होम्योपैथी हाइट बढ़ाने में कारगर है। तो डॉक्टर रूपल, सुन लीजिए, समझ लीजिए, और इस आपके जो आपने स्टेटमेंट दिया था उसका जवाब भी सुन लीजिए। स्टेटमेंट आपका जो था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं आपको जवाब, तो समझिए कि होम्योपैथी में अगर हमें हाइट बढ़ानी है तो हमें क्या देखना है? पेशेंट का मेटाबॉलिज्म, उसका डाइजेशन कैसा है, उसकी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा है, उसके बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कितने बेटर हैं, उसके रिफ्लेक्सेस कितने बेटर हैं, उसका नेचर कैसा है बाय बर्थ, जब से वो पैदा हुआ था तब से लेके जब वो बड़ा हो गया है, ऐसे में बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा रहा है, जो उसका मेटाबॉलिज्म था कहीं वो पहले पुअर तो नहीं था, अब इम्प्रूव हो गया हो, या फिर पहले इम्प्रूव था और अब पुअर हो गया हो, तो वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से उसके
जो वो रिस्पॉन्सेज पुअर थे, क्या उसकी डाइटरी रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे या फिर किसी और तरह के रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मेडिसिन सेलेक्ट होती है वो होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को जब दी जाती है तो वो उसके मेटाबॉलिज्म को सबसे पहले इम्प्रूव करती है। अब अगर हम बात करेंगे कि वहाँ पर बोन्स की ग्रोथ या बोन की हाइट कैसे बढ़ेगी, तो देखिए आप भी ये चीज़ जानती हैं और मैं भी ये चीज़ जानता हूँ, मैं पेशेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं अगर वहाँ पर पॉसिबल है तभी हाइट इंक्रीज हो सकती है, नहीं तो नहीं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर वहाँ पर जो हॉर्मोन्स हैं उसकी वजह से कहीं ना हॉर्मोन जीन्स की वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट की हाइट में फ़र्क आ रहा है तो उसका भी ध्यान दिया जाता है। अब सपोज करिए कि अगर फादर हैं उनके हाइट के डोमिनेंट जीन्स हैं तो पेशेंट की हाइट बढ़ सकती है, पर अगर मदर के रिसेसिव जीन्स हैं उनकी नॉर्मल हाइट है तो पेशेंट की हाइट नहीं बढ़ सकती। ये बात पेशेंट्स को भी बताई जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम ये बातें जल्दबाजी में शेयर नहीं कर पाते, पर सच्चाई यही है कि यस जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हाइट। अब अगर ये आप बात पेशेंट को नहीं बताते हैं तो आप गलती करते हैं। दूसरी बात, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, क्या वो प्रॉपरली कैल्शियम उसकी बोन्स में एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, जो फॉस्फोरस है कहीं ऐसा तो नहीं बोन्स में से वो डिप्राइव हो रहा है, और भी 10 तरह के फैक्टर्स होते हैं जिन्हें देखकर दवा दी जाती है। तो जब आप इन फैक्टर्स के ऊपर फोकस करके होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो निश्चित तौर पर हाइट इंक्रीज होती है, पर ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर कि किसी पेशेंट की हाइट अगर जो है हम बढ़ाना चाहें 5 inches या 6 inches तो वो सडनली बढ़ जाएगी या फिट्स में बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर हाइट इंक्रीज होती है तो वो कुछ इंचेस के हिसाब से बढ़ती है, वो 1 inch बढ़ सकती है, 2 inch बढ़ सकती है, मैक्सिमम 3 inch बढ़ सकती है, पर ये डिपेंड करता है कि पेशेंट दवाई के संग में और क्या क्या मैनेजमेंट करता है। तो इसी बिहाफ पर जो चौथा सवाल है वो क्या कि क्या अकेले दवाई से लंबाई बढ़ सकती है, तो देखिए साफ तौर पर समझ लीजिए अकेले होम्योपैथिक मेडिसिन से किसी भी की हाइट नहीं बढ़ सकती, बिकॉज यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को प्रॉपर डाइट की, वो प्रोटीन्स कितना ले रहा है, वो विटामिंस कितना ले रहा है, उसकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कितने अच्छे से जा रहे हैं, उसके बॉडी के अंदर कैल्शियम्स कितने अच्छे से जा रहा है। तो कुल मिलाकर न्यूट्रिशियस डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, और केवल न्यूट्रिशियस डाइट से नहीं चलेगा, इसके अलावा एक्सरसाइजेस होती हैं, योगासन होते हैं, लोग ताड़ासन बहुत करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, इन सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। तो केवल अकेले किसी भी तरह की मेडिसिन हाइट नहीं बढ़ा सकती। डॉक्टर रूपल, आप जो थिंक पिल नाम का चैनल चलाती हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 2 बार सोचिए, आप एक वेल रिप्यूटेड डॉक्टर हैं, उसके बाद आप ही जो है एक स्टेटमेंट पास ऑन करती हैं पेशेंट्स के लिए। मैं फिर से अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि होम्योपैथी से हाइट बढ़े तो सबसे पहले ये जो पेटेंट मार्केट में मौजूद है हाइट बढ़ाने वाले जो टैबलेट्स मौजूद हैं इसे बिल्कुल मत लीजिए, एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन सेलेक्ट होती है वो मेडिसिन आप प्रॉपरली रेगुलरली लीजिए, उसके साथ में एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फिजिशियन जो भी आपकी डाइटरी चेंजेस हैं, जो भी आपकी एक्सरसाइज है, आपकी रिजिम है, जो आपका लाइफस्टाइल है उसे प्लीज चेंज करने की कोशिश करिए। तो अगर एज पर योर जीन्स आपकी हाइट बढ़ सकती है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है हाइट बढ़ने की टेंडेंसी, तो फिर आपकी हाइट निश्चित तौर पर बढ़ेगी। पर अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं और आप केवल एक केमिस्ट स्टोर से जाके होम्योपैथी की हाइट बढ़ाने वाली कोई भी दवा ले आते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए यहाँ पर किसी भी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि उसमें किस तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं और वो हाइट बढ़ा भी सकती है या नहीं बढ़ा सकती है। तो आज इस लाइव स्ट्रीम में हालांकि मेरा स्टेटमेंट हो सकता है कुछ गलत मैंने दे दिया हो तो मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो भी मैंने बात कही है वो बिल्कुल 100% सच है और सही है, ऑथेंटिक है। यही तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी पेशेंट के हाइट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और इसी तरह से रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आज इस लाइव स्ट्रीम को मैं एंड करना चाहूँगा। मैं आशा करूँगा कि अगर आप भी इसी तरह का ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हैं तो आप सिर्फ मेरे फेसबुक पेज को आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मैं किसी भी तरह की वीडियो कभी भी व्यूअर्स को आकर्षित करने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं करता हूँ और मैं सिर्फ एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करता हूँ। तो आज इस लाइव स्ट्रीम को मैं ख़त्म करता हूँ, आप सबको मेरा नमस्कार, मेरी तरफ से थैंक यू। अगर आप सेटिस्फाइड हैं इस टॉक से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, ताकि जब भी मैं लाइव स्ट्रीम आऊँ तो